चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो पहला ब्लास्ट यूक्रेन में हुआ वो मेरी सिटी और कीव में ही हुआ था। 23 को कुछ सुबह 4 बजे के करीब हमें बोला कि तुम मतलब ऐसे दिन के टाइम में ना कि तुम अपना सब सामान देख लो, पानी गैस वगैरह सब और बिजली सब जाएगी, तो अपना बैग पैक कर लो एक डॉक्यूमेंट के साथ और बाकी अपना खाने वगैरह का अरेंजमेंट कर लो। इस सफर को तो कभी याद किया ना जाए तो ठीक ही है, बस ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा रुका, अब ऐसे कनेक्ट हो जाए, ये बीच का रास्ता भूल जाए तो वही ठीक है, क्योंकि पता हमें कितनी बड़ी मुसीबत से निकल गए बच्चे यहाँ पे। जो पहला ब्लास्ट यूक्रेन में हुआ वो मेरी सिटी और कीव में ही हुआ था। 23 को कुछ सुबह 4 बजे के करीब, उस टाइम पे हमारा ऑलरेडी ये था कि हम सामान शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि हमने 3 मार्च की फ़्लाइट करा ली थी, ठीक है। एंड जो पहला ब्लास्ट होता है लगातार वहाँ पे 6 ब्लास्ट होते हैं, और वो भी एक जो पहला ब्लास्ट था वो हमसे कुल 500 मीटर की दूरी पे हुआ था, जिससे हमारा पूरा घर हिल चुका था, ठीक है। फिर हम सुबह के टाइम बाहर निकलते हैं एंड हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ पे लोग नॉर्मली घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम फिर हमने ट्राई किया, हम फ्रेंड्स के घर पे जहाँ पे बंकर्स थे हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हम सब लोगों ने स्टे किया एंड हम कुछ 26 तारीख की रात को वहाँ से निकले ट्रेन के थ्रू हंगरी बॉर्डर्स के लिए। फिर हमने जब एम्बेसी से बात की फ़ोन पे एंड एम्बेसी बोलती है कि आपको अब कैसे भी करके बॉर्डर्स के पार ही जाना पड़ेगा, हम बॉर्डर्स के अंदर नहीं आ सकते। गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गंगा, आपको लगता है उसका बेनिफिट पहुँचा, आपको कैसे आप देखते हैं इसको? बेनिफिट कह भी सकते और नहीं भी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम थी कि बॉर्डर क्रॉस करना। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है, ऑब्वियसली उन लोगों ने फ्लाइट्स वगैरह सब अरेंज किए, इतने बच्चों को बाहर निकाला है क्योंकि नहीं निकाल सकते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि हमें ओडिशा से हंगरी का बॉर्डर हमें पता है कि हमने कैसे तय किया है, लिटरली कि बहुत सफ़र करा है। ज़्यादा ख़राब थी तो कब पता चला, जब आपको कैसे पता चला कि वॉर हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, क्या मन में क्या था, किस तरह से चिंताएं बन रही थी? पहले तो ऐसा कुछ पता नहीं था, बस ऐसे था न्यूज़ में था थोड़ा कि भाई फोर्स आ रही है उनकी बॉर्डर पे, फोर्स बढ़ा रहे हैं वो लोग, लेकिन तब ऐसे सब था कि बस ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है तो ठीक हो जाएगा। ऐसे 24 फरवरी की सुबह मैं उठी थी 6 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि मैसेज पड़े हैं व्हाट्सएप पे कई सारे, तो फिर मुझे लगा कि भाई इतनी सुबह किसके मैसेज है, जैसे घर वाले नहीं करते हैं। तो कुछ मेरे दोस्तों के थे और कुछ मेरे यहाँ इंडिया वाले दोस्तों के थे, तो उनके थे कि ये सब हो गया है। तो फिर मैं उठी तो मैं देख ही रही थी, तभी तक मुझे आवाज़ आने लगी थी ऐसे बम वगैरह कोई विस्फोट जो भी हुआ उधर मिलिट्री बेस के आसपास हुआ था। बाद हमें बोला कि तुम मतलब ऐसे दिन के टाइम में ना कि तुम अपना सब सामान देख लो, पानी गैस वगैरह सब और बिजली सब जाएगी, तो अपना बैग पैक कर लो एक डॉक्यूमेंट के साथ और बाकी अपना खाने वगैरह का अरेंजमेंट कर लो। तो हम उस दिन भागे तो सब कुछ बंद हो गया था, उस दिन ATM वगैरह भी बहुत कम ही चल रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। आपको पढ़ने बाहर जाना पड़ रहा है, भारत में ऐसी स्थिति क्यों नहीं है, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जनसंख्या आपको पता ही है, फिर सब बच्चे ऐसा सोचते ही है, टेस्ट वगैरह भी, एक हॉस्पिटल की कमी, फिर जब हॉस्पिटल इतने ज़्यादा नहीं होंगे तो उनमें सीट भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी, थोड़ा करप्शन भी होता ही है, चाहे मतलब गवर्नमेंट अपनी साइड से करती भी है कोशिश, लेकिन बीच के जो लोग हैं ना वो भी पैसा खाते हैं इस मैटर में, तो जो गरीब परिवार है ना उनका एडमिशन नहीं हो पाता। पता लगा कि भाई वहां पे जो है झगड़ा हो गया है रूस का और यूक्रेन का, तो हम काफी सोचते रहे, परेशान काफी रहे, रात दिन सोते भी नहीं थे, खाना पीना भी सब गड़बड़, सिस्टम बिगड़ गया था।
लेकिन फिर भी ये था भाई बच्चा चलो सुरक्षित अपने घर आ जाए, आगे जो भविष्य में होगा देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, वो बाद की बात है, पहले तो सुरक्षित अपने घर आए। तो बीच में शिवानी से बातचीत हुई आप? हाँ, काफ़ी डेली बात होती थी। जब बंकर में चली जाती थी तो सब डिस्टर्ब हो जाता था, तब परेशानी बढ़ जाती थी, और जब बात नहीं हो पाती। पहले तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो एम्बेसी थी इंडियन एम्बेसी, उसने ऑर्डर जारी किया कि जो जाना चाहे वो जा सकता। उसके बाद हमने सोचा कि जब हमारी गवर्नमेंट खुद बोल रही जाने के लिए तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, तो हम फिर हमने सोचा चलना चाहिए। हमने टिकट कराने की कोशिश की, टिकट देखा तो वो 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये के आसपास का था। अब अगर इतना हमारा हिसाब होता तो हम यही बना करते, फिर चलो कोई बात नहीं। हमने सोचा कि अब इतनी भी वर्स्ट कंडीशन नहीं होने वाली कि वो अटैक ही कर देगा बिल्कुल रसिया, तो फिर हमने 10 तारीख का टिकट करा लिया। वो रसिया ने अटैक किया, पहले तो कीव के एयरपोर्ट पर गया, उसके बाद हमसे 3 किलोमीटर बॉर्डर था इवानो का, इवानो फ्रेंकिस का बॉर्डर था, वहाँ पर किया, और फिर हमारे ही इवानो की एयरपोर्ट पर उन्होंने अटैक किया। उसके बाद थोड़ा लगा कि अब तो चलना ही चाहिए बस। क्यों जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? फीस वहाँ पर चीप है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा MBBS के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉलेज नहीं है इतने, हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देती जितना अदर। आगे आप क्या, आपकी क्या अपील है, आप किस तरह से मदद चाहते हैं भारत सरकार से? बस हम तो यही चाहेंगे कि अगर यहाँ पे इंडिया में हमें अवेलेबल करा रहे हैं तो हमें उतने में ही, एक तो हमारे ईयर ख़राब ना हो। अब मान लिया हम 4th ईयर में हैं, वो हमें 1st ईयर से देने लगे, तो देखो अभी एज भी होती है एक ना पर्टिकुलर, हम ऐसे 3-4 साल धक्के खाने के बाद फिर वापस से वही 3-4 साल करेंगे। और उससे अलग ये चीज़ होती है कि थोड़ा अगर हम बाहर पढ़ रहे हैं ये तो हमें कम से कम उस पैसे पे ही रखा जाए। अगर तुम इंडिया में रख रहे हो, मान लो प्राइवेट कॉलेज दे रहे हो, उनकी फ़ीस इतनी महंगी हम तो फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, सिचुएशन तो सेम हुई, तो या तो वो फीस भी सेम दे और हमारा ईयर भी सेम दे तो हो सकता है, वरना फिर तो वापस जाना ही एक ऑप्शन होता है ना हमारे पास। फैमिली तो बोल रही है कि हाँ अगर आपकी एजुकेशन पर बात है तो ओबियसली आप जाइए, क्योंकि उसी के लिए हम इतना स्ट्रगल किया है कि 4 साल हम वहाँ पर अपनी पढ़ाई किए, तो अब 2 साल की डिग्री है, ऑब्वियसली हम उसको नहीं चाहते कि ऐसे ही वेस्ट जाए सब कुछ। इस सफ़र को तो कभी याद किया ना जाए तो ठीक ही है, बस ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा रुका, अब ऐसे कनेक्ट हो जाए, ये बीच का रास्ता भूल जाए तो वही ठीक है, क्योंकि पता होगा कितनी बड़ी मुसीबत से निकल गए बच्चे यहाँ पर।